हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ पर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 की मैथ, और वो भी आरडी शर्मा से। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और हमने 1.4 का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, और हमने सारे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ के रखा हुआ है। और जस्ट इस वीडियो के पहले हमने पढ़ा एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। तो अब हम कंटिन्यू करने वाले इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4, और हम यहाँ पे कुछ और भी बेसिक चीज़ें जानेंगे सेट के बारे में। अभी तक जितना भी हम लोगों ने बेसिक पढ़ा हुआ है, जो भी हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.4 के इंट्रोडक्शन के बीच में अभी तक पढ़ा हुआ है, उसमें हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों का कन्फ्यूजन ना हो। तो वो चीज़ें कन्फ्यूजन जो भी छोटे छोटे से कन्फ्यूजन थे, वो मैं सारे के सारे कन्फ्यूजन यहाँ इस एक्सरसाइज में क्लियर करूँगा, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज आपके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं और सेट थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ आप मेरे पुराने वीडियो देखने के बाद फिर यहाँ पे आएँ, क्योंकि आपको कुछ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पुराने वीडियो से मिलने वाली है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर रहेगी, तो यहाँ पर आपको पढ़ने में और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कह रहा है कि हमने जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हैं, इनके अलावा और भी हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी स्टेटमेंट के फॉर्म में, उम्मीद करता हूँ आरडी शर्मा आपने खुल के रखा होगा। नहीं रख रहे तो प्लीज आरडी शर्मा लेके बैठे, ठीक है ना, क्योंकि आप जो आरडी शर्मा में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर वो ट्रू है तो उसके पीछे का आपको एक वैलिड रीजन देना है, ठीक है। तो हम एक एक करके सीखते हैं, देखते हैं क्या स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है। फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, आइदर ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए। देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैथ में ये बहुत जरूरी होता है कि उसके हम हर छोटे छोटे वर्ड के ऊपर फोकस करें, क्योंकि बहुत बार ऐसी गलतियां हम लोग करते हैं कि हम क्वेश्चन को एक फ्लो में पढ़ते हैं और उसको अपने हिसाब से इमेजिन करके उसका आंसर दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्वेश्चन को हर एक पॉइंट से पढ़ना होगा, हर छोटे से छोटे वर्ड के ऊपर फोकस करना होगा। वो सब चीज़ें मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, कह रहा है फॉर एनी टू सेट, किसी भी दो सेट के लिए। आपके दिमाग में कोई भी दो सेट आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपने क्या माना है मुझसे मतलब नहीं है, जो भी आपने माना है उसको कॉपी में लिख लीजिए। आप कह रहा है क्या ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। सबसेट के बारे में बता चुका हूँ, बार बार डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, प्लीज पुराने वाले वीडियोस को पढ़ के आइएगा। तो अब हमने सेट मान लिया ए, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने जो एग्जाम्पल लिया ठीक है, मैं भी एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने एक सेट ले लिया ए बी सी, ठीक है, और मैंने एक सेट बी ले लिया, सेट बी ले लिया एक्स वाई और जेड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एनी टू सेट, मतलब कि किसी भी दो सेट के लिए, जो आपके दिमाग में सेट चल रहे हैं आप उनकी बात करिए, ठीक है ना। अब हमने मेरे दिमाग में तो प्रेजेंट टाइम पे यही सेट चल रहे थे, मैंने इन सेट को ले लिया। अब कह रहा है ए ए का सबसेट ऑफ बी, तो क्या आपको लग रहा है कि ए बी का सबसेट है, क्या ए के एलिमेंट्स आपको बी में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना, तो ऐसा कहाँ पॉसिबल है। क्या B इज द सबसेट ऑफ A, क्या B के एलिमेंट्स आपको A में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, दिस वन इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे सेट सही तरीके से डिफाइन किए गए हों। जैसे कि अगर यहाँ पे ए बी सी है तो यहाँ भी ए बी सी दिखना चाहिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो यहाँ भी एक्स वाई जेड दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा था फॉर एनी टू सेट, तो हम कोई भी दो सेट अपने मन से लेंगे, ठीक है। जहाँ पे जो चीज़ जैसे लिखी गई होगी हम उसको उसी तरीके से कंसिडर करेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ लगाना होगा मैं वहाँ बताऊँगा कि यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपने हो सकता है मैथ गलती से ले लिया हो और आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और अगर आपका इंटरेस्ट है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर हो रहा होगा। एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, मतलब कि आपके पास में कोई एक इनफाइनाइट सेट है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट, किसी भी इनफाइनाइट सेट का आप एक सबसेट बनाते हैं, तो वो जो सेट निकलेगा हर सबसेट इनफाइनाइट होगा। बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आपने कोई एक सेट लिया, और सेट कैसा लिया, इनफाइनाइट सेट कंसीडर किया, तो मैं नेचुरल नंबर मान लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, हो गया। अब हमने इस इनफाइनाइट सेट के सबसेट लिखे, सबसेट लिखा, तो इसके सबसेट क्या आएंगे, देखो जरा, इसका सबसेट होगा 5, फिर इसका सबसेट होगा 1, फिर इसका सबसेट होगा 2,
फिर इसका सबसेट होगा थ्री, फिर ऐसे करते 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 ऐसे सबसेट बढ़ते चले जाएंगे, फिर हमारा कहीं पे 1.2 आएगा, फिर क्या आएगा कि 1.3 आएगा और एंड सो ऑन ऐसे कंटिन्यू बढ़ता हुआ चला जाएगा। कुछ लोगों ने बोला होगा सर ये ट्रू होगा, मैं मानता हूँ क्यों ट्रू होगा और क्या सोच के आपने बोला होगा समझाता हूँ कि आपने ये देखा कि सर जब सेट हमारा इनफाइनाइट है तो उसके जो सबसेट बनेंगे वो भी तो इनफाइनाइट सबसेट बनेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल सही अपनी जगह पे, लेकिन मैंने क्या बोला क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है एवरी सबसेट, कह रहा है कि इस सेट के जितने भी आप सबसेट बनाएंगे क्या वो इनफाइनाइट होंगे। तो कोई भी सेट पकड़ लो सबसेट, मैंने इस सबसेट को पकड़ लिया, क्या ये इनफाइनाइट सबसेट है? नहीं है ना, इसमें कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है ना, तो ये तो फाइनाइट हो गया। दूसरा पकड़ते हैं, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ये भी तो एक सबसेट है ना। तो इस सबसेट को जब मैंने पिकअप किया और मैंने देखा कि क्या ये सबसेट इनफाइनाइट है, नहीं ये सबसेट इनफाइनाइट नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट हमको दिख रहे हैं और जब 2 एलिमेंट दिख रहे हैं तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया ना। तो यहाँ पे लिखा था एवरी सबसेट, हर सबसेट एवरी सबसेट जितने भी सबसेट यहाँ बनेंगे क्या वो इनफाइनाइट होंगे, नहीं इनफाइनाइट नहीं होंगे। अगर सिर्फ ये लिखा होता सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट तो हमारा स्टेटमेंट ये हमारा ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पे हर एक सबसेट की बात कर रहा है इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर हुआ तो इसको फिर से बैक करके रिवाइंड करके आप इसको फिर से देखिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। कह रहा है एवरी सबसेट, देखो जो वर्ड यहाँ पे था वही वर्ड यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर ध्यान देना है। एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, कह रहा है कि कोई भी आपने फाइनाइट सेट लिया तो मैं पहले लिख लेता हूँ, आपके दिमाग में जो आ रहा है आप उसको लिख लीजिए, उसके ऊपर काम करिएगा। मैंने एक सेट एक्स ले लिया, आप कह रहा है कि ये फाइनाइट है तो मैं इसको ले लेता हूँ ए ई आई ओ और यू, मैंने ये सेट ले लिया फाइनाइट है हमारा, ठीक है। आप कह रहा है कि इस फाइनाइट सेट के जब हम सबसेट बनाएंगे तो सबसेट क्या निकलेंगे हमारे, देखो सबसेट ए बी सॉरी ई आई ओ यू फिर ए ई फिर ए ओ एंड सो ऑन ऐसे निकलेंगे ना हमारे। अब जरा हमें एक चीज बताइए कि जो हमारे पास फाइनाइट सेट था उसके सबसेट कितने होंगे, फाइनाइट ही होंगे ना। हमने आपको फॉर्मूला बताया कैसे निकालना बताया है, हमने इसका फॉर्मूला बताया 2 की पावर n, पुराने लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है इस टीचर्स पहले वाले लेक्चर में। तो 1 2 3 4 5 इट विल बी 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, यही होता है ना। अब 32 तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 32 सबसेट बनेंगे ना। अब जो 32 सबसेट बनेंगे वो तो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। लेकिन स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कह रहा है एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट जितने भी सबसेट बनेंगे हमारे क्या वो फाइनाइट है। तो इंडिविजुअल तरीके से एक एक उठा के देख लीजिए, उनके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं, जब आप एलिमेंट्स उनके काउंट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि जिनके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा फाइनाइट सेट होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों पार्ट आपको क्लियर होंगे, ये तो बहुत ईजी था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, लेकिन ये दोनों थोड़ा समझने वाले थे, क्यों, क्योंकि इसमें एवरी सबसेट की बात किया था न सिर्फ सबसेट की बात किया था। फोर्थ पार्ट देखते क्या है, कह रहा है एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट, कह रहा है हर सेट का एक प्रॉपर सबसेट होता है, हर सेट का एक क्या होता है प्रॉपर सबसेट होता है, बिल्कुल नहीं होता है। फाई फाई का कैसे निकालोगे आप, अगर मैं एक सेट ले लेता हूँ इम्प्टी सेट क्या है, फाई है ना हमारा, अब फाई है तो इस सब प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए क्या निकालेंगे, सबसेट निकालेंगे तो सबसेट कितने आएंगे, 2 की पावर 0 आ जाएगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 0 हो गए ना। तो अब जरा मुझे बताइए क्या फाई का प्रॉपर सबसेट निकालना पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये 4 के 4 पार्ट हमारे क्लियर होंगे। अब हम इनके अगले पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या क्या एग्जाम्पल में दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली, तो इसलिए हर एक ट्रू एंड फॉल्स को ध्यान से और बहुत फोकस होकर पढ़ना, मेरे एग्जाम्पल ही नहीं अपना एग्जाम्पल सेटअप करना, उसके ऊपर काम करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। तो हमारा अगला पार्ट क्या बोल रहा है, अगला पार्ट हमारा ये बोल रहा है कि ए बी ए बी ए बी एंड सो ऑन इज एन इनफाइनाइट सेट, क्या ये इनफाइनाइट सेट है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ सर इनफाइनाइट है तो आप बिल्कुल गलत हैं, जी हाँ आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत हैं, अब जरा हमको एक चीज़ बताइए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 1 2 1 3 5 2 3, अब मुझे इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने क्या बोला था कि रिपीटेशन हम अलाउ नहीं करते हैं ना, अगर रिपीटेशन है तो उसको हटा देते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 और 5,
यही सेट तो बनेगा ना हमारा, बनेगा ना, जो बार बार रिपीट होने, चाहे कितने बार रिपीट हो रहे हो। मैंने बताया हुआ पीछे के लेक्चर में कि अगर कभी कोई हम सेट बनाते हैं और उसके एलिमेंट्स आपस में बार 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 रिपीट हो रहे होते हैं, तो रिपीटेशन हटा देते हैं और पहले एलिमेंट को ही कंसीडर करते हैं। यही मैंने समझाया था। तो आप जरा इसकी बात बताइए, ए बी ए बी ए बी ए बी बार बार क्या रिपीट हो रहा है, ए बी ए बी ए बी रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम सही तरीके से अगर कोई सेट लिखेंगे तो इसमें सिर्फ दो एलिमेंट हैं, वो है ए और बी। क्लियर हो गया? तो जब सिर्फ दो एलिमेंट है ए और बी, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनफाइनाइट सेट, इट कैन बी कंसीडर्ड एज फाइनाइट सेट। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? फाइनाइट सेट। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। चलिए आगे बात करता हूँ। सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी एक हमारे पास सेट है, दूसरा सेट है 1 2 3, दो सेट हो गए। कह रहा आर इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट, हम अगर दो सेट को इक्विवेलेंट सेट दिखाना होता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि उनके कार्डिनल नंबर ऑफ सेट आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट भी मैं पीछे बता चुका हूँ। तो हमने देखा, सब अगर इसको मैं सेट ए मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप समझ लीजिए, और इसको सेट बी मान लेता हूँ, तो हमारे पास दो सेट हो गए, एक ए हो गया एक बी हो गया। तो मैंने देखा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3, इसमें कितने एलिमेंट है? 3 है। और फिर जब हमने कार्डिनल नंबर ऑफ बी, सेट बी की बात किया, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो हमने देखा कि दोनों के कार्डिनल नंबर आपस में इक्वल हैं, और जब किसी दो सेट के कार्डिनल नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उस सेट को हम कंसीडर करते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपने पुराना पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना इसके पहले के लेक्चर का, तो चीजें यहाँ बहुत सारी क्लियर होंगी और कुछ नई भी चीजें मिलेंगी, अभी दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। अ सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सबसेट। अब कह रहा है कि किसी सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? अब यहाँ एवरी सबसेट नहीं बोला है, यहाँ सिर्फ सबसेट बोला है। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए ये पहला एग्जाम्पल, मैंने एक सेट ए लिया और इसके एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक। अब जरा मुझे एक चीज बताइए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इनफाइनाइट है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी कितने बनेंगे? इनफाइनाइट ही बनेंगे ना, 2 की पावर इनफिनिटी हो जाएगा ना, यही तो बनेगा ना सबसेट। सबसेट का फॉर्मूला हमने यही तो पढ़ा हुआ है ना, 2 की पावर n, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी गिवन सेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? इनफाइनाइट हो गए ना, तो 2 की पावर इनफाइनाइट लिखेंगे ना। तो अगर हमारे पास में कोई सेट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने निकलेंगे? जितने उसके एलिमेंट्स होंगे उतना 2 की पावर लिख देंगे। तो अब दूसरी बात ना, मेरी एक एग्जाम्पल बी लेता हूँ, सेट बी हो गया, इस सेट बी के एलिमेंट है एक्स वाई और जेड, ठीक है, जेड 3 एलिमेंट्स हैं। तो आप अगर मैं बोलूंगी इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर 3 बनेंगे, क्योंकि इसमें 1 2 3 एलिमेंट है। तो ये कितना हो गया? 8 हो गया, हो गया ना। तो अब यहाँ पे आपने एक रिलेशन देखा क्या, कि अगर हमारे पास कोई सेट गिवन है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं तो उसके जो सबसेट बनेंगे वो भी इनफाइनाइट बनेंगे। ये बात मेरी क्लियर होगी। दूसरा पार्ट आपने क्या देखा, कि अगर कोई हमारे पास में सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो उसके जो सबसेट बनेंगे वो भी क्या बनेंगे? फाइनाइट बनेंगे। तो देखते हैं यहाँ क्या गिवन है। कह रहा है अ सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सबसेट। कह रहा है कि कोई भी सेट आप लिया, कोई भी सेट, और उसके इनफाइनाइटली मेनी सबसेट निकलेंगे? नहीं ना, ये तो कंडीशन पर डिपेंड होगा ना, कि वो सेट ये वाला है कि वो सेट ये वाला है। अगर ये सेट बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेट ए है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी क्लियर होगी। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, सॉरी 5 नहीं है, टोटल 7 पार्ट है। 7 पार्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा और ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जंप मारते हैं। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के पहले मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताता हूँ, उनको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। देखिए सपोज मैंने एक सेट लिखा, मैं अभी इनको बताऊंगा, उसके पहले कुछ पॉइंट देखिए। सपोज मैंने एक सेट लिखा ए, इसको लिखा ए बी, ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ए और बी। मैं जो पीछे पढ़ा हुआ हूँ उसी को बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब उसको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ, वो सुनना। मैंने सेट ए लिखा, उसके एलिमेंट्स हैं ए और बी। अब मैं आपसे पूछूं क्या ए ए बिलोंग कर रहा है सेट ए में? कर रहा है ना, क्योंकि सेट जो एलिमेंट ए है वो आप सेट ए में देख रहे हो, तो वो इससे क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। क्लियर हो? मैं पूछूं क्या बी बिलोंग कर रहा है ए में? तो बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है। ये बात मेरी क्लियर होगी। अब मेरी अगली बात सुना,
अब अगर मैं बोलूं क्या ये बिलोंग कर रहा है सेट ए में, नहीं बिलोंग कर रहा है, अब ये एलिमेंट नहीं रह गया, अब इसके आप बाहर जो ब्रैकेट लग गया ना, और जब ब्रैकेट लग गया तो ये बन जाता है सेट। मैंने पहले इंट्रोडक्शन बताया है, सबसे पहले लेक्चर में जब हमने इसको लगा दिया तो ये क्या बन गया, मेरा सेट बन गया। तो क्या ऐसी चीज यहाँ दिख रही है, नहीं दिख रही ना, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। बात मेरी क्लियर है? अगर मैंने लिख दिया ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, तो क्या ए कॉमा बी ए में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। देखो ये दूसरा सेट है, ये सेट दूसरा है, यहाँ के एलिमेंट्स ए और बी हैं, अब ये इसमें बिलोंग कब करेगा क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। अगर मैंने सेट को ऐसे लिखा होता, इसको मैंने ए को ऐसे लिखा होता, ए सपोज दैट इसके अंदर ए लिखा होता, फिर इसके अंदर बी लिखा होता, तब ये पार्ट हमारा क्लियर हो जाता, क्या कि ये इसमें अब बिलोंग कर रहा है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ए डैस की, ठीक है। तो जो ये सेट ए बन गया है, सेट ए पूरा का पूरा ए में दिख रहा है, ए डैस में दिख रहा है, तो ए डैस में दिख रहा है तो ये अब इसमें बिलोंग करेगा। बात मेरी क्लियर हुई? फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, अब सपोज दैट मैं आपसे बात करूँ क्या बी बिलोंग कर रहा है ए डैस में, तो जी नहीं, बी नहीं बिलोंग कर रहा है। देखो ए डैस में बी बी एक सेट की तरह दिख रहा है, वहाँ पे वहाँ जो बैठा हुआ है वो कपड़े वपड़े पहन के ना एक सेट की तरह बैठा हुआ है, और यहाँ पे जो बी है ये बीच पे बैठा हुआ है, कपड़े नहीं पहना हुआ है। तो जरा देखो दोनों को कंपेयर कर लो, क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना। ये ठंडी के मौसम में ले लद्दाख में बैठा हुआ है, ये गर्मी के मौसम में बीच पे बैठा हुआ है, दोनों में फर्क है ना, है, तो इसलिए ये बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर होगी मेरी बातें? अच्छा अगर ये क्लियर हो गया तो अब एक छोटी सी और जान लेते हैं, ठीक है ना। देखो फिर से हमने इसी सेट को ए को ले लिया, ठीक है, ए के हमने लिख लिया सबसेट, हमने क्या लिख लिया सबसेट, हमारे पास सबसेट क्या होगा पाई हो जाएगा, फिर हमारे पास में ए हो जाएगा, फिर हमारे पास में बी हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास में ए बी हो जाएगा, यही हमारे सबसेट होंगे, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि जो ए के हमने सबसेट लिखे वो ये है ना, देखिए क्या ये ए इसमें बिलोंग करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि ये देखो कहाँ बैठा हुआ है, ले लद्दाख में कपड़े वपड़े पहन के बैठा हुआ है, और इसके जो एलिमेंट है वो कपड़े नहीं पहने हैं, वो गोवा वाले बीच पे आराम से मस्ती मार रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट दिखा लेना, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। फिर क्या होगा इसके लिए, इसके लिए ये होगा कि ये जो हमने लिखा है दिस इज अ सबसेट, किसका सबसेट है, ए का सबसेट है ना, ये सबसेट है ना इसके, तो इसमें क्या दिख रहा है, ये कपड़े वपड़े पहन के बैठा हुआ है ना, तो दिस इज कॉल्ड ए इज द सबसेट ऑफ दिस। क्लियर हो गया? अब अगर मैं बोलूं कि बी बी ए के लिए क्या है, दो ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन है बिलोंग टू है, दूसरा ऑप्शन है डज नॉट बिलोंग टू, तीसरा ऑप्शन है सबसेट है, क्या होगा, तो बिलोंग और डज नॉट बिलोंग तो होगा नहीं, क्योंकि बिलोंग क्या करते हैं एलिमेंट्स करते हैं, सबसेट कभी बिलोंग नहीं करता किसी सेट में, ठीक है ना, क्या क्या बिलोंग करते हैं एलिमेंट बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया सबसेट हो गया ना, तो सबसेट इज बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट का यूज क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए कॉमा बी ए के लिए क्या है, आप सिंपल सा वन लाइनर स्टेटमेंट दोगे कि सर ये इसका सबसेट है, देखो यहाँ पार्ट दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है ए कॉमा बी इज द सबसेट ऑफ ए। उम्मीद करता हूँ बिलोंग्स टू और सबसेट आपको क्लियर होने होंगे। मैं एक लाइनर स्टेटमेंट देता हूँ, वन लाइनर स्टेटमेंट फिर से, क्या कि कोई भी एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो उस सेट में बिलोंग कर रहा है दिख रहा है वो उसमें हमेशा बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर हम सबसेट की बात करेंगे तो सबसेट ये है ना, सबसेट हमारे सेट के ए के सबसेट है, तो ये इसके सबसेट कहलाएंगे, ना कि ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे। क्लियर हो गया? अब मैं स्टेटमेंट बताता हूं अपने, देखो ये क्या है, ये एक सेट है हमारा, इस सेट के अंदर क्या वन दिख रहा है, गोवा वाले बीच पे दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बिलोंग करता है, बिकॉज वन इज द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट, देयरफॉर दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा स्टेटमेंट ये है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको ये बताना है कि ये सारे जो पार्ट लिखे हुए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो हमारा पहला पार्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्लियर। सेकंड बात है, कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ दिस, क्या इस सेट का ये ए सबसेट है, नहीं ना, ये ए इसमें दिख रहा है तो वो क्या हो गया एलिमेंट हो गया ना, और एलिमेंट हमेशा क्या करते हैं बिलोंग करते हैं। मैं बहुत डिफरेंट चीज कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर दिमाग को बैठाना है कि सर ने क्या बोला या मैंने क्या बोला, ठीक है। तो जो ए है वो इसका एलिमेंट है,
तो ये इसका सब्सेट नहीं हो सकता है, ये इसमें क्या करेगा, बिलोंग टू, ये क्या हो गया, फॉल्स में, क्लियर है। थर्ड पे आता हूँ, कपड़े वपड़े पहन के बाहर बैठा हुआ ना लेह लद्दाख पे, क्या यहाँ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा है ना। और ये दिखता तो इसका एलिमेंट होता अगर, तो ये फॉल्स हो गया। अगर ये ऐसे लिखा होता, देखो ये सेट ऐसे लिखा होता, ए बी और सी ऐसे लिखा होता, अब मैं पूछता कि क्या ये ए इसमें बिलोंग कर रहा है, तो बिल्कुल देखो जो यहाँ पे वही यहाँ पे ना, तब ये ट्रू हो जाता हमारा। क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया, ठीक है आगे बात करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है ए कॉमा बी एक सेट है, मतलब एक सेट है जिसके एलिमेंट ए और बी हैं, दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए ए बी बी और ए। तो हमने अभी अभी बताया है क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट में कि हम कभी सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं करते हैं, सेट में रेपिटेशन कभी भी अलाउड नहीं होता है। तो इसको हम क्या क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे ए कॉमा बी, ये लिखेंगे ना, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल हो गए, बिल्कुल इक्वल है, ट्रू हो गया। फोर फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स, एक्स क्या है, किसी सेट के एलिमेंट को डिफाइन करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बच्चे याद कर लेते हैं एक्स अर दैट एक्स, एक्स अर दैट एक्स, भाई एक्स है क्या, एक्स क्या है याद करके बैठे हो, एक्स एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो उस सेट का बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कह रहा है एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो नहीं एट है, तो आप एक्स की वैल्यू कितनी निकालेंगे भाई, ये प्लस उधर गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो अब इस सेट में क्या एलिमेंट दिख रहा है आपको, जीरो दिख रहा है। आप कह रहे हैं क्या ये नल सेट है, नहीं है ना, नल सेट मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, बिल्कुल खत्म, कुछ भी नहीं उसमें, लेकिन यहाँ तो है ना जीरो, जीरो इज कंसिडर एज एन एलिमेंट ऑफ द सेट, अगर ऐसे करके लिखा हुआ है तो ये एक क्या हो गया, उस सेट का एलिमेंट हो गया। तो मतलब कि ये नल सेट नहीं है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है और वो है जीरो, देयरफॉर दिस इज अ पार्ट ऑफ सिंगलटन सेट, ये किसका पार्ट हो गया, सिंगलटन सेट का पार्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट आपको क्लियर हुए होंगे, इस पार्ट को समझना बिलोंग टू और सबसेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट व्हिच आर द सबसेट ऑफ व्हिच। देखो इसमें बताना है कि सेट हमारे पास ए बी सी और डी फोर सेट गिवन है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन किसका सबसेट है, ठीक है। अब देखो सबसेट निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, रोस्टर की वजह से यहाँ पे ये सेट मिडल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो अभी सेट मिडल फॉर्म इन द सेंस, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि उसके एलिमेंट्स को अलग 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 करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे पास सारे एलिमेंट्स अलग तरीके से नहीं लिखे होंगे तब तक हम उनको जज नहीं कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले सेट ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा और फिर डी लिखा। तो बी सी और डी तो हमारे रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं क्योंकि सारे एलिमेंट वो कॉमा से अलग हैं, लेकिन ए की बात करते हैं। देखो सेट ए क्या कह रहा है, सेट ए में एक इक्वेशन है, क्या है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइज, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, इसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब जरा एक ही देखो, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपने सीखा होगा, ठीक है ना। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो सेट ए क्या निकलेगा, एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइज, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइज। अब जरा इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, यही लिखेंगे। फिर हम इसको और सॉल्व करेंगे, एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस सिक्स हो गया, माइनस टू कॉमन आ गया एक्स माइनस सिक्स हो गया, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया, ठीक है। फिर हमने इसको और सॉल्व किया तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस सिक्स सॉरी इक्वल टू जीरो भी है, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो जो हमारा सेट है उसके एलिमेंट निकल के आ गया सिक्स कॉमा टू, यही निकल के आ गया। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने कैसे किया है, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब जब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमारे पास में एक सेट ए था जिसके एलिमेंट क्या है टू कॉमा सिक्स है। अब सबसेट की बात कर लो, सबसेट मतलब उसके एलिमेंट किसी सेट में दिखने चाहिए, तो सेट ए क्या है सिक्स कॉमा टू है। जरा बी देखो, बी में क्या सिक्स और टू दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बी में दिख रहे हैं, दिख रहा है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्लियर है। ए के सारे एलिमेंट सी में दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ए इज द सबसेट ऑफ सी, इतनी बात क्लियर होगी। क्या डी के सारे एलिमेंट ए में दिख रहे हैं,
देख रहे ना, डी में सिक्स और यहाँ पे सिक्स सिक्स है, तो डी इज द सबसेट ऑफ ए। इतनी बात मेरी क्लियर हुई? तो अगर डी ए का सबसेट है, ए सी का है और ए बी का भी है, जरा देखो अभी रिलेशन निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, बी के सारे एलिमेंट सी में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं भाई, बी इज द सबसेट ऑफ सी, बी के सारे एलिमेंट सी में दिख रहे हैं और डी के भी सारे एलिमेंट दिख रहे हैं ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि जो डी है उसके सारे एलिमेंट ए में है, दिख रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में है, दिख रहा है, ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट सी में है। ये हमारा एक कंप्लीट ऑर्डर निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि डी के सारे एलिमेंट सी में भी हैं, डी के सारे एलिमेंट बी में भी हैं और डी के सारे एलिमेंट्स ए में भी हैं। चेक कर लो, डी में क्या है, सिक्स है ना, तो डी के सारे एलिमेंट सी में हैं, सिक्स है, डी के सारे एलिमेंट बी में हैं और डी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, है ना। फिर से देखो सेट बी, बी की बात करता हूँ, बी के सारे एलिमेंट सी में, देखो ना बी के, बी कहाँ है, टू फोर सिक्स है और यहाँ भी टू फोर सिक्स, तो बी के सारे एलिमेंट सी में आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? हम सबसेट तभी लिखेंगे, दिमाग बात को बैठाना है, जो मैथ बहुत डिफरेंट नहीं है यार, मैथ समझने के ऊपर है कि कॉन्सेप्ट आप कितना बढ़िया तरीके से समझ गए हैं और आप उसको कितने अच्छे तरीके से किसी क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये मैटर करता है, ठीक है ना। भगना नहीं है, मैं भगा नहीं रहा हूँ आपको, मेरे बोलने की स्पीड हो सकता है तेज हो, ये तेज स्पीड रखना पड़ता है क्योंकि देखो ऑडिशन में पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे हमें लेक्चर बनाने हैं तो, और उनके टाइमिंग भी कम रखना है, तो आप स्पीड थोड़ा कम करके भी देखें, लेकिन आप याद रखिए कि मेरे कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ लिया तो मेरे समझाने में क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सॉल्व भी करना है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है हमारा, पढ़ना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा कह रहा है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपके ट्रू है और उनको जस्टिफाई करना है विद रीजन, ठीक है। तो बात करते हैं, कह रहा है द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, मैं फिर से स्टेटमेंट पढ़ने के लिए सिर्फ एक बात बोलूंगा कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। यही चीजें यहाँ पे सीखना है, क्योंकि जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे ना, चैप्टर खत्म करने के बाद लास्ट जो हमारे एमसीक्यू और चैप्टर के एंड में आपने देखा होगा 3-4 एक्सरसाइज गिवन है, मैं बोल देता हूँ क्या है, मैं आपने देखा होगा कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ एमसीक्यू मल्टीपल क्वेश्चन टाइप है ना, तो जब आप उनको सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पे आपको पेन नहीं चलाना है, आपको वहाँ सिर्फ दिमाग चलाना है, वहाँ पे सिर्फ आपको सोचना है, सोचने के बाद आंसर टिक करना है। अगर ये पार्ट आप कर लेते हो तो इसका मतलब है कि सेट थ्योरी आपको क्लियर हो गई है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है, उसको दिमाग में सेव करना है और फिर उसके ऊपर काम करना है। और ये हर क्वेश्चन के लिए है, ये ऐसे नहीं कि ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। चलो अभी बात करते हैं, कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर का सेट बनेगा, इंटीजर समझ लो ना, प्लस माइनस जितने भी होंगे, तो जितने भी इंटीजर्स का सेट बनेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख के दिखाता हूँ, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है ना, तो इंटीजर का एक सेट बना लेते हैं, कहाँ से शुरू होगा, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर एंड अप टू प्लस इन्फिनिट, यही जाएगा ना। कह रहा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सारे इंटीजर का जो सेट होगा, ध्यान सुनना, इज कंटेन्ड, वो कहाँ दिखेगा, इन द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, क्या वो रैशनल नंबर के सेट में दिखेगा। तो भाई साहब मुझे बताओ, मुझे क्या ये सारे रैशनल नंबर हैं कि नहीं है, इनको हम रैशनल नंबर कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको सुना होगा भैया, ये मत बोलना कि नेगेटिव वाले रैशनल नंबर नहीं होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में, क्योंकि 10 पास होके आ जाते हैं ना और उनको जब एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मालूम होती है बहुत गड़बड़ करते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला कि जितने भी इंटीजर का सेट होगा, एक इंटीजर का सेट हमने यहाँ पे लिखा हुआ पीछे, वो सारा का सारा सेट रैशनल नंबर के सेट में जाएगा। तो अगर ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो ये रैशनल नंबर पाए जाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो नहीं पाए जाएंगे। देखते हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर भी हैं और इंटीजर भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर बिकॉज दे ऑल सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ रैशनल नंबर। क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में है सारे नंबर, देखो पी वाई क्यू के फॉर्म में, अगर मैंने माइनस टू लिखा तो माइनस टू बाई वन लिख सकते हैं, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, पी और क्यू इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ऊपर नेगेटिव इंटीजर नीचे पॉजिटिव इंटीजर है, तो इंटीजर हो गया। और लास्ट में होता है कि इट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल टू जीरो नहीं होता है, मतलब जो क्यू होता है इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी इंटीजर होते हैं क्लास 10 9 10 में, आपने ये चीज़ बहुत अच्छी पढ़ा है, मैं फिर भी समझा रहा हूँ, ये समझाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो
हमने ये पढ़ा है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं ऑल इंटीजर्स आर द पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। तो जितने भी हमारे यहाँ पे इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर के पार्ट हैं, तो इसीलिए ये सेट पूरा रैशनल नंबर के सेट में दिखेगा। क्लियर हो गया? चलो बात करते हैं आगे। हो गया तो हो गया। द सेट ऑफ ऑल द प्रोस इन इज कंसीडर्ड इन द सेट ऑफ ऑल वर्ड। आपने एक वर्ड की पार्टी दिया, ध्यान से सुनना, ना समझ में आया करे ना तो फॉर्मल तरीके से सोचा करो। जरूरी नहीं कि हम मैथमेटिशियन बनके चीजों को सोचें, हम कभी कोई बेवकूफ बनके भी सोच सकते हैं मैथ को, और वो तरीका सबसे ज्यादा कारगर होता है। बड़ी चीज नहीं आ रही ना, छोटा सोच लो। अच्छा ऐसा हुआ था, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो जरा बात करते हैं। कह रहा सेट ऑफ ऑल क्रोस, जितने भी कौए हैं उनको हम चिड़ियों के सेट में रख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई, आपने एक पार्टी दिया, अपने छत पे दावत दिया, खूब सारे दाना वाना बिखेरने में सारे बर्ड्स को इनवाइट किया, भाई तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सारे बर्ड्स तुम्हारे पास में आ गए। आप जरा एक चीज बताओ, क्या उस बर्ड में कौवे नहीं आएंगे, क्रो नहीं आएंगे? आएंगे ना क्रो। तो देन द सेट ऑफ ऑल क्रो, जितने भी क्रो का सेट होगा वो बर्ड के सेट में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ट्रू, क्लियर है? आगे बात करते हैं। द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इज कंसिडर्ड, बात सुनो, जितने भी रेक्टेंगल होंगे वो सारे स्क्वायर के सेट में आएंगे कि नहीं आएंगे? अब दिमाग में ये क्वेश्चन तुरंत घूमा होगा, सर यही तो सबसे कंफ्यूजन वाला पार्ट था, आज तक यही नहीं समझ में आया कि ऑल स्क्वायर सारे रेक्टेंगल और ऑल रेक्टेंगल सारे स्क्वायर। मैं समझ सकता हूँ, बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं, सर प्लीज समझा दीजिए। मैं समझाता हूँ ना, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, बात मेरी बहुत ध्यान सुना। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, और भी प्रॉपर्टी होती है, मैं एक एक लेके चल रहा हूँ। ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है? क्या रेक्टेंगल की भी ऑल साइड्स आर इक्वल? नहीं है ना। तो क्या हम स्क्वायर को रेक्टेंगल की फैमिली में रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना, क्योंकि स्क्वायर क्या है, चारों साइड उसकी बराबर होती है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल नहीं होती है। लेकिन सुनना, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं जितने भी स्क्वायर होते हैं क्या वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या स्क्वायर के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं? बिल्कुल इक्वल होते हैं, होते हैं ना, चारों साइड इक्वल होती है, वो तो मालूम मुझे, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया, और तो सारी प्रॉपर्टी मैच करती है, सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, डायगोनल्स इक्वल होंगे, एंड सो ऑन ना। तो अब जरा मेरी बात सुना, क्या सारे रेक्टेंगल्स हमारे स्क्वायर होंगे? नहीं होंगे भाई। रेक्टेंगल स्क्वायर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और इसकी चारों साइड इक्वल होती है। क्लियर हो गया? तो दिस स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली फॉल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों पार्ट आपको समझ में आएंगे। अब चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान देना। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर के पार्ट सेट होता है, रियल नंबर आप समझ रहे ना, जितने भी रियल नंबर होते हैं, इज कंटेंट इन द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर सारा का सारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखेगा। अब ये टर्म आपके लिए एक नया आ गया है, क्योंकि क्लास 10 तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं नहीं पढ़ा है। अगर थोड़ी बहुत आपके टीचर ने क्लास 10 में इन्फॉर्मेशन दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक छोटी सी झलक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लेते हैं क्या है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहली बात तो हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये इसका सिंबल होता है। आई और वाई क्या होता है बताता हूँ। आई जो होता है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, रियल पार्ट होता है। अब कहोगे आप सर ये सब क्या समझा रहे हैं, बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2 प्लस अंडर रूट -3, इसको लिखा, आप कहोगे सर ऐसा नंबर तो मैंने आज तक देखा नहीं। जिसको आपने नहीं देखा है वही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। तो देखो क्या है, इसको लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस √3 × √-1, लिख सकता हूँ इसको मैं। जो √-1 होता है ना, इट विल बी इक्वल टू आई, इसी को क्या कंसिडर करते हैं, आई। तो हियर जेड विल बी इक्वल टू 2 प्लस √3 i, ये हो गया मेरी बात, ये बात मेरी क्लियर आ गई। तो ये जो पार्ट है ना, दिस इज कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मेरी बात सुनना, यहाँ अब ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा ना, परेशान नहीं होना है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पूरा पीछे पड़ेंगे। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं क्या उनको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिखा जा सकता है? देखते हैं, हमने एक रियल नंबर ले लिया 2 लिखा, कहोगे सर अरे इसको हम 0 i लिख दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखो x की जगह 2 आ गया
और आई वाई तो मुझे दिख नहीं रहा था तो हमने जीरो आई लिख दिया। इसको सम करोगे तो टू ही आएगा ना, तो जितने भी रियल नंबर है उनको काउंटेड नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो टू है। फिर एक नंबर लिखो, जैसे मैंने लिख दिया अंडर रूट थ्री, मैंने कहा ये रियल नंबर है, बिल्कुल रियल नंबर है। अब मैंने बोला कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा। इसको ले सकता हूँ अंडर रूट थ्री प्लस आई इंटू जीरो कर सकता हूँ। तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये हमारा रियल पार्ट हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो परेशान नहीं होना, जब हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो ये बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ये बात मेरी क्लियर होगी, जितने भी रियल नंबर होते हैं उनको जीरो प्लस आई के फॉर्म में ऐड करके लिख सकते हैं, तो वो जो पूरा पार्ट बनेगा, जो नया फॉर्म बन के आएगा, जैसे हमने टू फोर टू प्लस जीरो आई लिखा था, तो जो नया फॉर्म बन के आया दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ऑल रियल नंबर आर द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जो रियल नंबर है इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वन वर्ड में वन मार्क में टीचर पूछ सकता है आपके। अगला पार्ट क्या है, कह रहा है एक सेट पी है जिसका एलिमेंट ए है, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट एक सेट के अंदर सेट है और वो सेट ए है। बाद में क्लियर है। कह रहा है आर इक्वल, क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। भाई कहाँ है, गोवा में बैठा हुआ है, सॉरी कहाँ लेह में बैठा हुआ है, कहाँ गोवा में बैठा हुआ है, इक्वल है नहीं इक्वल है ना, क्योंकि P में सिर्फ एक एलिमेंट दिख रहा है A, इसने कपड़े नहीं पहने हैं, ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है, लेकिन जो B में एलिमेंट दिख रहा है ये भाई साहब रजाई गद्दे ओढ़ के बैठा हुआ है और पूरे कपड़े लत्ते पहनने के बाद में, क्योंकि लेह लद्दाख घूम रहा है, तो यहाँ पे एक जो एलिमेंट है ना वो A नहीं है, वो एक एलिमेंट जो ए है वो सेट के फॉर्म में दिख रहा है ना, और यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट दिख रहा है, तो मतलब पी इज नॉट इक्वल टू सेट बी। और क्वेश्चन नंबर जो सिक्स पार्ट है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप उसको पढ़िए और कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर दीजिए। देखिए जो क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स में मंगाता हूँ ना, उनका मेरा मेन पर्पज ये है कि आप सॉल्व करें और सॉल्व करके उसको मुझे भेजें। ये जरूरी नहीं कि सर 20 बच्चों ने तो आपको भेजा है तो हम 21 में हम क्यों भेजें, हमारा भी आंसर वही है, हमें मालूम है अपना आंसर वही है, हम प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं, बाकी और कोई रीजन नहीं है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ के सारे पार्ट कंटिन्यू हो गए होंगे, सॉल्व में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर फाइव पे हम जम मारते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि इसमें से आपके कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, जो करेक्ट हैं उनको करेक्ट रहने दो, उनमें छेड़छाड़ कोई नहीं करना है, जो स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट लगे उनको करेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, मैं इसको पढ़ाने के लिए फिर से जो इस वीडियो की स्टार्टिंग मैंने बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेट में बिलोंग करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेट में बिलोंग करते हैं, और जितने भी सेट के सबसेट बनते हैं दे आर द सबसेट ऑफ दैट सेट, ठीक है। जब सेट कोई होगा तो वो सबसेट होगा उस सेट का। चलिए बात करते हैं, कह रहा है फर्स्ट पार्ट, कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ दिस सेट ए बी सी। आप पहले बताओ ये ए क्या है, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है ना, तो ये इसमें कैसे बिलोंग कर सकता है, नहीं सबसेट नहीं हो सकता ना, ये तो इसमें बिलोंग करना चाहिए। सही स्टेटमेंट इसका ये होना चाहिए कि सर जो एलिमेंट ए है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे बिलोंग का साइन होना चाहिए ए बी सी, ये होना चाहिए सर, करेक्ट है। दूसरा चीज ये हो सकती है कि सर अगर हम इस साइन को नहीं चेंज करना चाहें, अगर हम नहीं चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये एक सेट है जो कि सबसेट है ए बी सी का। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। इस सेट का सबसेट निकालोगे क्या आएगा, एक ए आएगा ना ऐसे ब्रैकेट में, तो ये सेट हो गया, तो सेट इज द सबसेट ऑफ दिस, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, इसकी बात करता हूँ मैं, कह रहा है कि ये एक एलिमेंट है लेकिन एलिमेंट के ऊपर क्या लगा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट, मतलब कि ये तो पूरा सेट हो गया, और सेट किसी सेट में क्या करता है, सबसेट होता है ना, बिलोंग नहीं करता है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो ए है ये इसका सबसेट है ए बी सी का, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप ये साइन नहीं चेंज करना चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ बिलोंग टू हटे, तो क्या है, तो अगर ये सबसेट बना हुआ है, ये क्या एज अ सेट बिहेव कर रहा है ना, तो अंदर भी आपको एज अ सेट ही इसको दिखाना पड़ेगा। अब देखो जो यहाँ है वही यहाँ है, तो ये इसका एक एलिमेंट हो गया ना, ये क्या हो गया, इस पूरे सेट का एलिमेंट हो गया, एज अ एलिमेंट काम कर रहा है, तो इसीलिए बिलोंग हो गया, क्लियर। थर्ड पार्ट पे आता हूँ मैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है ए बिलोंग टू दिस। अब जब देखो ए क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, लेकिन यहाँ एलिमेंट क्या है, कपड़े पहन के बैठा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये तो गलत हो गया ना, बिलोंग टू तो करेगा नहीं, तो देखते हैं क्या होगा।
अगर हम इसी स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहें तो दो तरीके हैं। पहला क्या है कि हम ये लिख सकते हैं कि जो सबसेट बन गया ये, लेकिन ये जो है यहाँ पे दिख रहा है तो जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा था उसको वैसे लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए था और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट बन के बैठा हुआ था, तो इसको बाहर भी हमने सेट बना लिया। अब हम ये लिख सकते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है इसमें ए और बी में, बात क्लियर हो गई। दूसरा तरीका क्या है कि सर और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो नहीं अब और कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है, नहीं कर सकते ना, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बी बीच वाला साइन चेंज हो जाए तो इसके लिए ये कर सकते हैं क्या कि सर यहाँ पे सर के था ना तो इसको मैंने ए लिखा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ सबसेट लग जाए, तो सबसेट कब लगेगा, जब ये एक सेट का एक फिर से सेट बन जाएगा, तो अब ये बन जाएगा सबसेट ऑफ द गिवन सेट ए, बी, क्योंकि ये एक एलिमेंट था, इस एलिमेंट का हमने सबसेट बना लिया, वो सबसेट इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया, क्लियर हो गया, दो तरीके हो गए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन फोर्थ क्या है, इसी का फोर्थ पार्ट क्या है, कह रहा है ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ एज अ एलिमेंट बिहेव कर रहा है ना, इस सेट का एक पार्ट हो गया ना ये एलिमेंट, तो ये पूरा बाहर आ गया, और जब ये बाहर आ गया तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है ना, यहाँ तो सबसेट लिखा हुआ गलत हो गया। तो पहला तरीका ये हो गया कि जो हमारे पास में यहाँ पे ए लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के साथ में, वही अंदर भी है, इसीलिए ये बिलोंग करेगा इसमें ए कॉमा बी में, इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ की अगर हम इसको कुछ और तरीके से करेक्ट करना चाहें कि नहीं ये सही है, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि देखो ये जो सेट है अंदर कपड़े पहन के बैठा हुआ कर्ली ब्रैकेट के अंदर बैठा हुआ है, तो इसको फिर से एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। अब लिख देंगे ये सबसेट हो गया ए कॉमा बी का, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या हमारा, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है कि ये देखो जो पूरा इस सेट के अंदर बीसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वही पूरा यहाँ आ गया, तो ये यहाँ क्या है एलिमेंट है ना, ये कैसे बिहेव कर रहा है, एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और एलिमेंट जो होता है वो किसी सेट में क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका पहला पार्ट क्या हो गया कि अगर हम बी और सी की बात करते हैं तो बी और सी बिलोंग करेंगे ए कॉमा बी और सी में, उम्मीद करता हूँ इसी बात मेरी क्लियर होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि हम यहाँ पे सबसेट रहने देना चाह रहे हैं लेकिन हम यहाँ चेंज करना चाह रहे हैं, तो इसको फिर से एक डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो। अब ये एलिमेंट क्या बन गया, सबसेट बन गया, सबसेट किसका बन गया, सेट ए कॉमा बी कॉमा सी का, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। फिफ्थ के फाइव पार्ट, कुछ पार्ट्स और हैं, चलिए उनको भी डिटेल में समझते हैं, आगे के पार्ट कंटिन्यू करते हैं। आगे पार्ट में क्या है कि ए कॉमा बी, बात ध्यान दो ना, ए कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, क्या सबसेट है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अब इसको करेक्ट करने के तरीके क्या हो जाएंगे, अब बार बार सबसेट और बिलोंग तो बार बार समझाऊंगा नहीं, ठीक है ना, अब मैं लिखो उसको समझना है, आइडेंटिफाई करना है। अब अगर इसको सही करना है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, सपोज दैट मैं इसको बिलोंग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि ए कॉमा बी ऐसे हो गया, अगर ये बिलोंग करेगा तो कब बिलोंग करेगा, जब ये सेट कुछ ऐसे लिखा होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि सर हम इसको चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, इसको ऐसे ही लिख देना चाह रहे हैं, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका हमारे पास में क्या हो जाएगा कि ए कॉमा बी, देखो इसको इस साइन को मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको बना लूंगा एक सबसेट, जो सबसेट हो जाएगा किसका, ए कॉमा बी कॉमा सी का, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बात करता हूँ, कह रहा फाई बिलोंग टू ए कॉमा बी, क्या फाई ए कॉमा बी को बिलोंग कर रहा है, अब ये मत कहना सर फाई तो दिखता ही नहीं है, तो एम्प्टी सेट हो गया और वो तो सब में बिलोंग करता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, मैंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट कहीं नहीं दिया, मैंने बोला फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये स्टेटमेंट दिया मैंने, तो फाई क्या इस सेट का एलिमेंट है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, जब नहीं दिख रहा है तो आप लिखोगे फाई डज नॉट बिलोंग टू ए कॉमा बी, फाई बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम दिखाएं कि नहीं फाई बिलोंग करे सर, आप कुछ ऐसा लिखे कि नहीं फाई बिलोंग करना चाहिए, तो दिखाता हूँ, तो फिर इसको ऐसे लिखोगे फाई ए कॉमा बी, चीजें क्लियर हो रही ना, मैं दो दो तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ ना, चीजें समझ में आ रही चीजें।
आप कह रहे हैं फाइव द सबसेट ऑफ ए बी सी, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट जो आप डायरी लेके बैठे हुए हो, जो मैं हमेशा डायरी आपके साथ में चाहता हूँ कि आपके पास में रहे, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट नोट करके लिखिए, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हो सकता है मैंने पिछली क्लास में लिखाया हो, लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना कि फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव क्या है? सारे सेट का सबसेट होता है, तो ये ट्रू है, ठीक है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे कह रहा है इक्वल टू फाइव होगा, देखते हैं। अरे भाई कैसे हो जाएगा, एक्स आर दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री, थ्री उठ के उधर गया, माइनस थ्री जीरो आ गया, तो इसके जो एलिमेंट हो गया जीरो हो गया ना, क्या ये इक्वल टू फाइव है? फॉल्स हो गया ना, यहाँ तो एक एलिमेंट दिख रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट सेट हो जाएगा, तो ये फॉल्स नहीं है। इतनी बात क्लियर होगी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फाइव के सारे पार्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं।